नमस्कार ट्विंकल किचन को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। मुझे आपण मानी आउ गोटे भेज थाड़ी रेसीपी नहीं कि आसी जदि मोर ए रेसीपी आपण मानक भल लगे आपको लाइक करेंगे आपण सांग सहित सेयार करेंगे और जदि मो चैनल को एपर्तंत सब्सक्राइब करना तेल सब्सक्राइब करने को जमार भूलेंगे पाखे थी बेल आइकन टी क्लिक करेंगे यादारा मोर जो भिड आसमें देखिपर मो भेज थाड़ी आज अच्छी भात डाली बंधाकोबी आलू ग्रीन मटर तरकारी पालंग साग दही बैगण आउ काकुड़ी सलाद। प्रथमे मु दही बैगण बनेबी। दही बैगण पई मु एटे कढ़ाई बसई देछि कढ़ाई रे मु किछि तेल दे देछि तेल गरम होबा पई रखिछि। तेल मोर गरम हो गला परे मु एथरे बैगण को पकाई देछि। मु गोटे बैगण को पतला पतला लंबा लंबा करी काटिके रखिथिले ताकु पकाई देछि। एथरे मु एबे अल्प हळदी गुंड अल्प लंका गुंड पकेबे आपनकु जेतिकि राग दरकार आपन से अनुसार लंका गुंड पकेबे आउ स्वाद अनुसार लुणा पकाई देबे। मु एबे सबकु भल भाबे मिक्स करिके घोड़ेके बैगण को सिझिबा पई रखिदेबे। दुई रु तीन मिनिट पर मु घोड़नी काढ़ी देछि। बैगण को मु भल भाबे गोल्डन ब्राउन करी भाजी देबी। देखि पार्थे मु बैगण भल भाबे गोल्डन ब्राउन हो गलानी। मु आके एबे गोटे प्लेट रे काढ़ी देबी। मु एबे दही बैगण छुंक बनेबी। छुंक पई मु गोटे कढ़ाई रे किछि तेल देथिली। तेल गरम हेला पर एथिरे मु गोटे सुखिला लंका हाफ चामच जीरा हाफ चामच सोरस पकई देछि आउ किछि भृसंग पत्र पकई देछि। जीरा सोरस आउ भृसंग पत्र को मु भल भाबे भाजी देबी। एथिरे मु एबे किछि गोटे पिंच हेंग को पकई देछि। ए सब को मु भल भाबे मिक्स करि देबी। मोर एठी जीरा सोरस आउ भृसंग पत्र भल भाबे भाजी हेगलाणी। मु आकु एबे थंडा हाबा पई रखि देबी। छुंक थंडा हेला भितर चलतु आम दही बैगण दहीटी को बनई दबा। मुझे गोटे कप दही को भल भाव फेंटिक नहीं स्वाद अनुसार लुण पकईदेली। एवं मुझे अल्प किसी कला लुण पकईदेवि आपड़ देखिकी पकेबे। आपड़ अलरेडी लुण पकई गोटे चामच भजा जीरा लंका गुंड पकई आ गोटे चामच चीनी पकई आपको जी मीठा दरकार आपड़ से अनुसार चीनी पकेबे। चीनी ये ऑप्शनल अच्छी। मुझे सबको भल भाव मिक्स कर देती। मुझे बैगण भाजिक रखी थी से थंडा हो जाता। मुझे बैगण पकईदेगी आज जो छुंक कर रखी थी सी भी थंडा हो जाए। मुझे छुंक को भी पकईदेवि आ सबको भल भाव मिक्स करदेवि। मुझे सबक भल भाव मिक्स कर दे दही बैगण एडी। मुझे बंधाकोबी आलू ग्रीन मटर तरकारी बनेबी। मुझे दि चमच तेल दे देती तेल गरम हाँप रखी गोटे तेजपत्र आ गोटे चमच चीनी पकईदेवि। तेल रे चीनी देले तरकारी कलर बहुत भल आसी था। चीनी को ये मेल्ट हाँप रखी चीनी को मुझे मेल्ट हाँप रखी। चीनी मोर मेल्ट हो गला। एबे हाफ चामच जीरा पकईदेवि गोटा जीरा। एथिरे मु एबे काटिके रखिथिबा पियाज को पकईदेवि। पियाज को मु गोल्डन ब्राउन होबा पर्यंत फ्राई कर देबी। पियाज मोर भल भाव भाजी हो गलानी। मुझे एबे अदा रसुण पेस्ट देदेवि आउ अदा रसुण कंचा गंध जीवा पर्यंत मु मसला को भल भाव कषिदेवि। मु मसला भल भाव कषाई जाइए। हाफ चामच हलदी गुंड गोटे चामच धनिया गुंड गोटे चामच जीरा गुंड आउ हाफ चामच लंका गुंड पकेबे। आपनको जेतिकि राग दरकार आपन सेतिकि लंका गुंड पकेबे। माको सब भल भाव मिक्स कर मसला को गोटे रु दि मिनिट पर्यंत कषिदेवि। मुझे मसला को गोटे रु दि मिनिट पर्यंत कषिदेगी। एथिरे मुझे काटिक रखी टमाटो को पकईदेवि। टमाटो जगह आम टमाटो प्यूरी भी यूज कर पारती कि टमाटो को बाटिक भी यूज कर पारती। मुझे एवं स्वाद अनुसार लुण पकईदेवि। लुण पकईदे टमाटो जल्दी सीझी। आधे अल्प टिके गोटे चम्मच पानी दे देबी। सब मिसाई देबी। घोड़ेकी टमाटो को भल भाव सीझे देबी।
देखिपे टमाटो मोर सॉफ्ट हो गला मुझे काटिकी रखी आलू को पकईदेवि सब कुछ भल भाव मिक्स करदेवि घोड़ी आलू को 3-4 मिनिट पर्यंत सीझेदेवि कारण आलू सीझा टे टाइम नब 3-4 मिनिट हो गला मुझे ग्रीन मटर पकईदेवि काटिकी रखि बंधा कोबी को पकईदेवि मु सब कुछ भल भाव मिक्स करदेवि मुझे घोड़ी बंधाकोबी ग्रीन मटर आलू को सीझापे रखीदेवि 5-6 मिनिट पर देखने मोर बंधाकोबी आलू ग्रीन मटर सीझी कि ना मोर बंधाकोबी और ग्रीन मटर सीझीगला देखा आलू सीझी कि ना आलू भी मोर सीझी जा गोटे चामच गरम मसला गुंड पकईदेवि ए सब कुछ भल भाव मिक्स करदेवि मोर बंधाकोबी आलू ग्रीन मटर तरकारी रेडी मुझे गोटे सर्विंग बाउल में काढ़ीदेवि मुझे हरड़ डाली बनैबी हरड़ डाली मुझे प्रेसर कुकर में 2 कप पा दे गरम होगा रखी थी पा मोर ये गरम हो गला मुझे गोटे कप हरड़ डाली को भल भाव धोई मुझे प्रेसर कुकर में हरड़ डाली को पकईदेवि ए स्वाद अनुसार लुण पकईदेवि 1/2 चम्मच हलदी गुंड पकईदेवि आउ मुठी गोटे मीडियम साइज टमाटो को काटिकी रखी ताको भी पकईदेवि सबको भल भाव मिक्स करदेवि मुझे प्रेसर लीड बंद करके हाई फ्लेम रे गोटे सीटी मीडियम फ्लेम रे गोटे सीटी देखी डाली को सीझे देवि डाली मोर सीझी जाइतिला डाली रे छुंक पाई मुठी कढ़ाई रे किछ तेल दे गरम होगा रखी थी तेल गरम होगा गोटे सुखिला लंका 1/2 चम्मच जीरा आउ 1/2 चम्मच सोरस पकईदेगी जीरा सोरस को भल भाव भाजीदेवि जीरा सोरस मोर ये भल भाव भाजी गला सीझे रखी डाली को छुंक देदेवि सब कुछ भल भाव मिक्स करदेवि आ डाली को फुटेबा रखीदेवि डाली मोर ये भल भाव फुटिगला मोर डाली एवं रेडी मुझे पालंग शाग भजा बनैबी पालंग शाग भजाप कड़ाई में ये किसी तेल दे तेल गरम होगा रखी तेल गरम हो दुटा सुखिला लंका 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच सोरस पकईदेगी जीरा और सोरस को भल भाव भाजीदेवि मुझ शागर रसुण पकाउनी आपन चाहिए रसुण पकई पारे जिते बड़े जीरा और सोरस भल भाव भाजी से आपड़ 6-8 बाकड़ा रसुण को छेचिकी पकईदे रसुण को 1/2 रु 1 मिनिट पर्यटन भाजलापर पर पकईदे मोर ये जीरा और सोरस भल भाव भाजी गला मुझे पर पकईदेवि पर मुझे कखारू आलु बैगण को सब कुछ छोट छोट कर भल भाव धोईकी नहीं पर पकईदेवि मुझे स्वाद अनुसार लुण पकईबी आप शे लुण पकला टी देखिक पकेबे कारण शाग बहुत कम हो जाए यह सब कुछ भल भाव मिक्स करदेवि घोड़ी पर 2-3 मिनिट पर्यंत सीझेदेवि 2-3 मिनिट पर मुझे गोड़नी काढ़ी मो पर सीझी जाए मुझे पालंग शाग पकईदेवि मुझे गोटे बिड़ा पालंग शाग को भल भाव धोईकी छोट छोट कर रखी थी एवं शाग को पकईदेवि सब कुछ भल भाव मिक्स करदेवि मु शाग को घोड़ेबिनी मुझे एमती मिक्स कर शाग को भल भाव भाजीदेवि आप चाहिए घोड़ी शाग को 2 मिनिट सीझे पारती
ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୋ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିଗଲାଣି। ମୋର ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଭଜା ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମୋ ଭେଜ୍ ଥାଳିଟି ଏବେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ମୋର ଏ ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ମୋର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଙ୍ଗ।